नमस्कार, पंजाब केसरी स्पोर्ट्स आप देख रहे हैं, आप मैं हूं जसमीत। तो भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 मैचों की सीरीज बस शुरू होने वाली है, लेकिन आज के प्रोग्राम में आज हम एक नया ट्विस्ट लेकर आए हैं। ट्विस्ट है 2019 में भारत और वेस्टइंडीज के बीच हुई वेस्ट सीरीज के बारे में, जो कि यादगार हो गई थी अपने बड़े बड़े लंबे लंबे छक्कों के कारण और बड़े बड़े रिकॉर्डों के कारण और खासतौर पर विराट कोहली के कारण। जी हाँ, 2019 की ये जो सीरीज थी, इस दौरान विराट कोहली ने विंडीज के तेज गेंदबाज कैसरिक विलियम की पर्ची काटी थी। तो आखिरकार इस 3 मैचों की T20 सीरीज के दौरान क्या हुआ था, आज उस पर बात करेंगे। इसके अलावा आपसे कुछ सवाल भी पूछेंगे, उसके आप जवाब भी दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले T20 मैच से, जो कि हैदराबाद के मैदान पर खेला गया था। इस मैच के दौरान विंडीज की टीम ने पहले खेलते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 207 रन बनाए थे। ये ऐसा मैच था जिसमें विंडीज के बल्लेबाजों ने जमकर रन बनाए थे। अगर भारतीय गेंदबाजों की बात की जाए तो उनकी यहाँ पर खूब पिटाई हुई थी। अगर बल्लेबाजी की बात की जाए, विंडीज की बल्लेबाजी की बात की जाए, तो यहाँ पर इवेन लुइस ने 40 और हेटमायर ने 56 रन बनाकर अपनी टीम को जोरदार शुरुआत दी थी। इसके बाद जो मध्यक्रम में आए पोलार्ड ने 37 रन बनाकर अपनी टीम को 200 के आसपास पहुंचा दिया था। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी पारी, जो मज़ेदार पारी यहाँ पर देखने को मिली थी, वह जैसन होल्डर की थी, जिन्होंने सिर्फ 9 गेंदों में 3 छक्कों की मदद से 24 रन बनाए थे, जिसके कारण विंडीज़ की टीम यहाँ पर 200 से ज़्यादा का लक्ष्य टीम इंडिया को देने में सफल रही। अगर भारतीय टीम की अगर गेंदबाजी की बात की जाए, तो यहाँ पर दीपक चहर ने 56 रन देकर 1 विकेट लिया था, तो वहीं चहल ने 36 रन पर 2 विकेट लिए थे। तो बड़ा टोटल मिला था टीम इंडिया को। इसके बाद बल्लेबाजी करने आई टीम इंडिया की शुरुआत खराब रही, क्योंकि यहां पर रोहित शर्मा सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट गए। लेकिन इस दौरान सबसे जो खास बात थी, जी हाँ, विराट कोहली के साथ KR राहुल ने यहाँ पर ताबड़तोड़ छक्कों की बरसात कर दी। इस दौरान विंडीज के जो गेंदबाज थे, कैसरिक विलियम की यहां पर खूब शामत आई। अगर राहुल की बात की जाए तो उन्होंने 62 रन बनाए, वहीं अगर विराट की बात की जाए तो उन्होंने 50 गेंदों में 6 चौके और 6 छक्कों की मदद से 94 रन बनाए और अपनी टीम को जीत दिलवा दी। ये वही मैच था जिसके दौरान अचानक विराट कोहली को अपना सिग्नेचर स्टाइल करते हुए देखा गया था। उन्होंने विलियम्स की गेंदों पर लंबे चौड़े शॉट लगाने के बाद बैट उठाकर उस पर पर्ची काटी थी। विराट कोहली की इस हरकत के बाद से बहुत सारे क्रिकेट फैंस ये जानने में बिजी रह गए थे कि आखिरकार विराट ने ऐसा क्यों किया। लेकिन जो विराट के असली फैन थे, उन्हें पता था, क्योंकि इससे पहले जो T20 सीरीज हुई थी भारत और वेस्टइंडीज के बीच, उस दौरान विराट कोहली को आउट करने के बाद कैसरिक विलियमसन ने पर्ची काटी थी, जिसका जो माइंड था, कहीं ना कहीं विराट कोहली के माइंड में ये बात रही। और 2019 के उस T20 के पहले ही मुकाबले वहां पर उन्होंने कई बार विलियम की यहां पर पर्ची काटी, और जिस कारण ये मैच और भी रोमांच से भरपूर हो गया। वहीं अगर इस मैच की बात की जाए, पहले T20 में विंडीज की गेंदबाजी की बात की जाए, तो यहां पर आपको बताएं कि कैसरिक विलियम ने इस मैच के दौरान 60 रन दिए थे और उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला था। तो टीम इंडिया ने यह मैच बिल्कुल आसानी से जीत लिया था। इसके बाद दूसरे T20 की अगर बात की जाए, तो वह तिरुवनंतपुरम के मैदान पर खेला गया था। यहां पर भारतीय टीम एक बार पहले खेलने उतरी थी और 7 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए थे। ये मैच काफ़ी अच्छा था, क्योंकि यहां पर शिवम दुबे को यहां पर प्रमोट करके उन्होंने तीसरे नंबर पर भेजा था, क्योंकि आप जान सकते हैं कि रोहित शर्मा इस मैच के दौरान भी ज़्यादा रन नहीं बना पाए थे। वह मात्र 15 रन पर ही पवेलियन लौट गए थे। इसके बाद शिवम दुबे आए, उन्होंने 34 गेंदों में अर्धशतक लगाया, जिसमें लंबे लंबे छक्के भी शामिल थे। आपको बताएं कि इस दौरान पंत ने 33, वही कोहली ने 19 रन बनाए। ये वही मैच था जिसमें दूसरा मैच था जिसमें एक बार फिर से विलियम्स यहां पर कहीं ना कहीं एक अपना दबाव बनाने में कामयाब रहे और विराट कोहली की विकेट चटकाने में सफल रहे थे। आपको बताएं कि यहां पर इस मैच के दौरान टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने लंबे लंबे छक्के लगाए थे। वहीं अगर बात की जाए तो वेस्टइंडीज टीम की उस मैच के दौरान उनकी ओर से लिमन सिमंस ने यहाँ पर धमाकेदार पारी खेली थी। इसके अलावा इवन लुइस की अगर बात की जाए, तो उन्होंने भी चौकों छक्कों की यहाँ पर बरसात की थी। अगर दोनों बल्लेबाजों की अगर बात की जाए, तो लिंडन सिमंस ने यहाँ पर 45 गेंदों में 67, वहीं इवन लुइस ने 40 रन बनाए थे। हालांकि इस दौरान जो पारियाँ थी, हेडमायर की पारी यहाँ पर देखने को मिली, उन्होंने 23 रन बनाए। वहीं अगर निकोलस पूरन की बात की जाए, तो उन्होंने मात्र 17 गेंदों में 40 रन बनाए थे, जिसमें 4 लंबे लंबे छक्के भी शामिल थे। तो ये जो मुकाबला था, वेस्टइंडीज की टीम ने जीत लिया था। तो पहला T20 टीम इंडिया ने जीता था, दूसरा जो T20 था वो विंडीज की टीम ने जीत लिया था। अब फाइनल मुकाबला जो था, जो तीसरा T20 मैच था, वो मुंबई के मैदान पर
हुआ, जिस दौरान दोनों टीमों पर नजरें बनी हुई थी कि जो भी ये मैच जीता वह सीरीज जीत सकता था। तो तीसरा मुकाबला मुंबई के मैदान पर यहाँ पर खेला गया। यहाँ पर भारतीय टीम पहले खेलने आई। ये ऐसा मुकाबला था जिसमें टीम इंडिया की ओर से ताबड़तोड़ छक्के लगे। ये वही मुकाबला था जिसमें भारत के लगभग सभी बल्लेबाज लंबे लंबे छक्के लगाते दिखे। आपको बताएं कि इसमें रोहित शर्मा का यहाँ पर बल्ला चढ़ा, क्योंकि पहले दो मैचों के दौरान उनका बल्ला नहीं चल पाया था। उन्होंने 34 गेंदों में 71 रन बनाए थे। वहीं अगर राहुल की अगर बात की जाए, के आर राहुल ने 56 गेंदों में 91 रन बनाए थे, इस दौरान 6 छक्के लगाने में कामयाब रहे थे। वहीं अगर विराट की बात की जाए तो उन्होंने 29 गेंदों में यहाँ पर 70 रन बनाए थे, जिसमें 7 लंबे लंबे छक्के भी शामिल थे। तो इस दौरान भारतीय टीम जो थी एक पारी में 16 छक्के लगाने में कामयाब रही थी। वहीं अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो जेसन होल्डर, जो कि विंडीज गेंदबाज हैं, यहाँ पर 56 रन दे दिए, लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला था। वहीं अगर क्वार्टर की बात की जाए तो उन्हें सिर्फ 40 रन देकर उन्होंने सिर्फ एक विकेट लिया था। ये मैच और भी रोचक हो गया था जब विंडीज की टीम दोबारा यहाँ पर बल्लेबाजी करने आई। तो इस दौरान देखिए हेटमार ने यहाँ पर देखिए खूब धमाका डाला। उन्होंने मात्र 24 गेंदों में 5 छक्कों की मदद से 41 रन बनाए। वहीं पलार की अगर बात की जाए तो अंत के ओवरों में उन्होंने 39 गेंदों में 68 रन बनाए और अपनी टीम को जीत की ओर ले गए थे। लेकिन यहाँ पर भारतीय तेज गेंदबाजों की गेंदबाजी, कातिलाना गेंदबाजी कहीं ना कहीं टीम इंडिया के काम आई और टीम इंडिया ने विंडीज टीम को सिर्फ 173 रन पर रोक कर ये T20 जो सीरीज थी वो 2-1 से अपने नाम कर ली। आपको बताएं कि इस दौरान भारतीय गेंदबाजों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दीपक चहर ने शानदार और लयदार गेंदबाजी की और उन्होंने 20 रन देकर 2 विकेट लिया। तो वहीं भुवी की अगर बात की जाए तो उन्होंने 41 रन पर 2 विकेट लिए। वहीं शमी की अगर बात की जाए तो वहाँ पर उन्होंने 25 रन देकर 2 विकेट हासिल किए थे। इस तरह से एक ऐतिहासिक जो सीरीज थी वो टीम इंडिया ने जीत ली। ये सीरीज इस कारण भी जानी जाती है क्योंकि इसमें कई बार 200 से ज़्यादा रन बने और खासतौर पर इस दौरान दोनों टीमों के जो बल्लेबाज थे लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने गए। ये ऐतिहासिक सीरीज थी। कुछ ऐसा ही इस बार होने की उम्मीद है क्योंकि आप 2022 की वो सीरीज अब सामने आने वाली है। इस दौरान भी दोनों टीमों की अगर बात की जाए तो धाकड़ प्लेयर दोनों टीमों की ओर है। वैसे भी आगे IPL आने वाला है तो उसकी तैयारी देखी जाएगी यहाँ पर किस तरीके से विंडीज़ के बल्लेबाज यहाँ पर खेलते हुए नजर आए हैं। क्योंकि अगर विंडीज टीम की बात की जाए तो इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज खेली गई थी, जिसमें इसकी विंडीज़ की टीम ने 3-2 से जीत हासिल करने में सफलता हासिल की थी। इस दौरान विंडीज़ के बल्लेबाजों ने खूब धमाके डालते हुए लंबे लंबे छक्के लगाए थे। लेकिन इस बार टीम इंडिया भी काफ़ी मजबूत है और इस सीरीज़ के दौरान टीम इंडिया यहां पर ज़ोरदार जवाब देने की पूरी कोशिश करेगी। तो कल से ये पहला T20 मैच है यहां पर शुरू होने वाला है। तो इस दौरान सबकी नज़रें इस पर बनी रहेंगी। हम भी इस मैच पर नज़र बनाए हुए हैं। इस मैच के दौरान जो रिकॉर्ड बनेंगे, इसके अलावा एक्सपर्ट जो व्यू आएंगे उसके बारे में आपको लगातार बताते रहेंगे। आप बने रहिए पंजाब केसरी स्पोर्ट के साथ। हम यूट्यूब पर भी हैं, उस पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब तक इतना ही, नमस्कार।